काफी याद है कोई कोई उल्टा के कुछ महंगा जूती कभी कभी जो भी जो मिसेज इमरान खान बोल रही हूँ कराची से मिसेज इमरान खान ओए होए अगर आपकी शादी शरीरा से ना हुई होती तो फिर इसमें से किस नंबर को चूज करते आप आई पिक नंबर वन ये शादी नहीं हो सकती ये था गूगल पे सवाल दस वसीम अकरम आगे अब देखें सवाल क्या आता है जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा दिल की बात के सिवा कोई बात नहीं मैं पहला क्रश अब नाम नहीं ले रहा उसका पता लगे उनके चार बच्चे हो अभी इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद क्या हाल है आप सबके कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और कल के शो का इतना अच्छा फीडबैक आया कल हमारा फर्स्ट शो था और वसीम अकरम जो थे वो हमारे गेस्ट थे और लोगों ने बहुत शो को पसंद किया थैंक यू सो मच हमारे सेट को पसंद किया हमारी मेहनत को हमारी काविशों को पसंद किया आप सबका बहुत शुक्रिया और इसी तरह आपका प्यार आपकी मोहब्बत आपकी सपोर्ट चाहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहें मोहब्बतें देते रहें मोहब्बतें जो है वो बांटते रहें मुस्कुराहट से बांटते रहें अच्छा भाई आज का जो शो है वो बहुत ही मज़े का है अभी मैं जब अपने फेसबुक पेज से लाइव जा रही थी तो मैंने कहा कि जो भी काम आप नया शुरू करने जा रहे हैं किसी भी तरह का चाहे वो किसी जॉब के हवाले से हो कहीं रिश्ता भेजने के हवाले से हो या कहीं एडमिशन लेने के हवाले से हो कोई बड़ा फैसला कोई डिसीजन लेने के हवाले से किसी भी तरह का तो आज का शो ज़रूर देखिएगा आज का दिन हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कितना लकी है और कितना अनलकी है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये महीना आपके लिए कितना खुशकिस्मत साबित होगा ये साल आपके लिए कितना लकी है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाकी आज का शो वो मेरी बहनें भी ज़रूर देखें जिनको लगता है कि यार मेरी दोस्त का मियाँ जो है वो तो उसकी बड़ी सुनता है मेरी बिल्कुल नहीं सुनता ऐसा क्यों है और कमाल की बात तो ये है कि हर औरत को लगता है कि दूसरा जो शौहर है किसी और लड़की का उसकी सुनता है और उसका शौहर उसकी नहीं सुनता बल्कि ऐसा नहीं होता और वो ये समझ रही होती कि यार उसका शौहर उसकी बड़ी सुनता है मेरी नहीं सुनता तो ये तो हो गया बेचारी बीवियों का मसला ठीक है जहनी भी और कुछ सही मसले भी होते हैं अब बेचारे लड़के कहेंगे मर्द हजरात के भाई हम क्यों पीछे रह गए हमारी बीवियाँ तो ऐसे हमें खरी खरी सुनाती हैं हमारी सुनती नहीं है या हमें समझती नहीं है हमें अंडरस्टैंड नहीं करती हमारे दोस्तों को हमारे काम को अंडरस्टैंड नहीं करती तो आज आपके लिए भी बहुत सारी टिप्स हैं कि आप अपनी बीवियों को ऐसी क्या बातें बोलें कि वो खुश हो जाएं उनको आपके मियाँ से मसला ना हो आपके दोस्तों से मसला ना हो आपके काम से मसला ना हो आप कहीं बाहर जाएं तो मसला ना हो तो आज आपके लिए भी ये शो बहुत इम्पॉर्टेंट है चाहे कोई फैसला हो या फिर घर में जो थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज़ हों उनको हल करने के लिए आज का शो आपके बहुत ही काम आने वाला है ठीक है अब जब मियाँ बीवी की बात हो रही है तो एक बहुत ही खूबसूरत कपल बाहर का उनकी माशाल्लाह एज 50 ईयर्स के उनके शौहर हैं और 48 ईयर्स की उनकी वाइफ हैं और उनके हस्बैंड जो थे वो डायलिसिस पे थे और वो किडनी प्रॉब्लम था तो वो जाते थे तो उन्होंने पता है कि 25 साल के बाद अपने शौहर को क्या गिफ्ट किया क्या गिफ्ट किया वो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो किसी को गिफ्ट करना किसी को देना उसके लिए बहुत ही
मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत प्यार, बहुत अकीदत उस रिश्ते के लिए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, अपना ऑर्गन, अपने जिस्म का एक हिस्सा किसी को दे देना कोई छोटी बात नहीं है। जी हाँ, उन्होंने अपनी किडनी, अपना गुर्दा अपने शौहर को तोहफे में दे दिया। तो वो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। 25 साल शादी की पिक्चर्स आप देखें। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। ये होता है असल प्यार, सच्ची मोहब्बत ये होती है। और कहते हैं ना लोग कि आजकल इस दौर में सच्ची मोहब्बत नहीं है, तो वो ये सबूत आपके सामने है। और सच्ची मोहब्बत अभी भी एग्जिस्ट करती है, सच्ची मोहब्बत अभी भी है। हाँ, वो हीर रांझा ससी पुनू वो वाली जो कहानियाँ हैं वो कुछ अलग ही हैं। अब उस तरह ना आपको दरिया पार करने पड़ते ना कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है रातों के लिए जागना और किसी के लिए इस तरह कुछ डोनेट कर देना, आई थिंक ये वही है, उससे कम तो नहीं है मेरा नहीं ख्याल। सो ये खूबसूरत कपल हमने आपको दिखाया और इन्होंने अपनी किडनी अपने शौहर को तोहफे में दी और गिफ्ट की, ताकि उनका जो इलाज बेहतर हो सके या उनकी जो तकलीफ़ है उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ सके। और ये बात सिर्फ मियां और बीवी की नहीं, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि भाई भाई को अपने ऑर्गन्स जो है वो डोनेट करता है और बहन भाई के लिए करती है। तो ये यहाँ पे भी होता है, ये सिर्फ मियां बीवी का रिश्ता नहीं, भाई बहनों का भी रिश्ता ऐसा होता है, माँ और औलाद का, बाप का औलाद का, तो सबका ऐसा रिश्ता है। और मेरा ख़्याल है कि ठीक है जी, मैं यहाँ पर आपको किसी और से भी मिलवाना चाहूँगी। मेरे बहुत स्पेशल मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनका होना ज़रूरी था, क्योंकि जब मियाँ बीवी पे बात हो रही हो, ज़रा जुमले ना आए ना थोड़े से खट्टे मीठे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे दोनों ही फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, एंड आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, और भाई हैं मेरे। यहाँ पर हैं हमारे साथ बरकत और उज़्मी, बहुत सारे Thank you. मेरे भाइयों को डब्बे में बिठा दिया गया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदी। और नया शो शुरू करने में मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी टीम को, और इतनी सारी दुल्हन भी बैठी हुई हैं। और मैं सनम के लिए, जी जी दुल्हन है तो अभी करते हैं बात। सबसे पहले मैं सनम को मुबारकबाद अदी आपको। और लोग कहते हैं कि सनम के चेहरे पे इतनी रौनक क्यों है, तो मैं कहता हूँ जिसका दिल खूबसूरत होता है उसके चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाती है। तो हमने अदी के साथ काफी शोज किए और आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये दुआ करो उनको भी हो रही हो। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे। नहीं नहीं बिल्कुल खुशी हो रही है। और आज मैं एक बात सोच रही हूँ, आपने दिल की बात की, तो मरने के बाद ये दिल लेकर कहीं जाने का क्या फायदा, ये गुर्दे लेकर जाने का क्या फायदा। सही बात है ना। वाह वाह, कसम से ये वसीयत लिख लेनी चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ हो तो ये किडनीज, ये आंखें, ये दिल सब डोनेट कर देना चाहिए। बिल्कुल, डोनेट करते भी हैं लोग, और बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है। मैं सोच रही हूँ मैं भी कर दूं, वसीयत लिख लूं। हाँ बिल्कुल लिखें। और अभी जो आपने बस बेटा बस हौसला नहीं, लेकिन ऐसा ना हो, मैं भी ये सोच रही थी ऐसा ना हो बरकत हो जाए, किसी को पता चले किसी को कुछ जरूरत हो, यार अबे इसने तो लिख लिया है, चलो इसको मारो, इसकी किडनी भी मिलेगी, इसका दिल भी मिलेगा, इसकी आंखें भी मिलेगी। कुछ भरोसा नहीं है भाई। अच्छा चलो मेरे पास कॉल से, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? और आज बहुत खूबसूरत कपल मेरे साथ होगा, मैं उनसे मिलवाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ी देर में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट क्या करूँ, नवाब भाई मेरे शहर से कॉल है, मेरा पैदाइशी शहर वहाँ पे पैदा हुई थी। नवाब शाह अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं सनम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और कोई और किसी मर्द की आवाज आ रही थी हमें पहले। जी जी मैं शायस्ता फ्रॉम नवाबशाह से, मैं बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका शो देख रहे हैं माशाल्लाह से, इतना जबरदस्त प्यारा शो, मुबारक हो आपको और समाज चैनल को, और कल का शो तो माशाल्लाह से बेस्ट था, है ना। बस आगे आप अभी तो शुरुआत है, आगे आके देखें होता है क्या। जी जी हमारी यही दुआ है कि अल्लाह आपको समाज चैनल को ऐसे ही कामयाबियां तरक्कियां देता रहे। बहुत खुशी हुई आप ही आपसे बात करके, और कल भी बहुत काल ट्राई की लेकिन लगी ही नहीं, और आज खुशनसीबी से लग गई। हाँ बस जो जिस वक्त मिले ना उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और यहाँ पे मेरा दिल चाह मैं वो कहूँ जिए सिंध, जिए सिंध वारा, जिए सिंधी टोपी, जिए सिंध वारा, जिए जिए सिंध, जिए सिंध वारा, जिए सिंधी टोपी, जिए सिंध वारा, जिए। ओके जी, कोयटा, कोयटा से कॉल है हमारे पास, कोयटा भी जाग रहा है भाई, आज तो सिंध से पहली कॉल आई है, कल तो सिंध बड़ा देर से उठा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फखर आगले है ना, ये बोले ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फखर आगले क्या हो गया, आप ठीक है? आप सनम बलोच बात कर रहे हैं, मैं साइमा बलोच। ओए ओए बलोच बलोच, कैसे हो, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, उठाओ बलोच जाना, तबीयत सही है। आप कुछ भी बोले वो उर्दू में बोलेंगे, मकसद ये। बहुत आपकी तरह, मेरी तरह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कोई बात करना चाहेंगे आज आपके दिल में? कोशिश की है काफी अरसे से, एफआई में भी आपकी शो होती थी वहाँ पे भी कोशिश किया, नहीं लगा, आज पहली मर्तबा आपसे बात हो रही है। बस समा को दुआ दीजिएगा, है ना जी, इतनी यहाँ पे इतने सारे फोन रखे हुए, और जितना भी कोशिश किया नंबर लगाने का नहीं लग गया, क्यों? यहाँ पे फोन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे किसी कॉल मिस नहीं होगी। 15 से ले ले नंबर 1 से। कोशिश किया लेकिन नहीं किया। अच्छा मेरी जान, आप सोचे ना इतने सारे लोग कॉल्स कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से नंबर बिजी भी मिलता है। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा ओके जी, मुल्तान से कॉल है, वरना मैंने आपसे पूछा था साइमा मुझे अपनी दिल की बात बताओ, आपने नहीं बताई। अब देखते हैं कि मुल्तान से हमारे पास कॉल है, वो अपनी दिल की बात बताते हैं नहीं बताते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी सनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका शो मेरी कल भी कॉल लगी थी और आज भी लगी है, और मैं रोजाना कोशिश करूंगी कि आपसे कॉल पर। आयशा मुल्ता रेगुलर कॉलर हमारी, और आपका शो भी बहुत जबरदस्त है। आप एक काम करें या जॉब कर लें, आपने बड़े अच्छे बुलाए हैं, हंसने हंसाने वाले। अच्छा आयशा, मेरे गेस्ट आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा आप मैरिड हैं आयशा? आप मैरिड हैं? जी बिल्कुल मैरिड हूँ। अच्छा तो किसने बताया आपको? जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सबर करते हैं, इंतजार करते हैं? आप मेरे नहीं आ रही है मुझे आपकी आवाज। अच्छा अच्छा आवाज नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं कि आपको किसने बताया आप मैरिड हैं? मुझे खुद ही पता है। अच्छा वो बोल रहा है, ओके। अच्छा आयशा आपकी मियां आपकी सुनते हैं या आपको सुनाते हैं? वाओ हां ये अच्छा है। नहीं मैं, हम दोनों एक दूसरे की, वो भी मुझे सुना लेते हैं, मैं भी उनकी सुन लेती हूं। माशाल्लाह से हमारी बड़ी अच्छी लाइफ है और बहुत हम तो आप है। आप दोनों किस चैनल में? अच्छा अच्छा सुने ना, वो भी सुनाते हैं। फिर आखिर में जीतता कौन है, मतलब ये जो बहस चलती है अगर कभी झगड़ा हो तो जीतता कौन है? ये पड़ोसी, ये मोहल्ले वाले जीतते होंगे। आप जीत जाती हैं भाई, लड़कियां भारी चल रही हैं। ठीक है गुड आयशा, कल मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। और लास्ट कॉलर इस सेगमेंट के, हमारे लास्ट कॉलर जो है वो कराची से है। ओ कराची कराची कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो कराची, कराची बेटा सो रहा है। हेलो, हम ही जागते हैं। हेलो हेलो, अभी कंबल जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अरे बड़ी बड़ी कैसी हैं? कैसी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो आप बताएं ना कैसी लग रही हूँ आज, मैंने ब्लू ड्रेस पहना है। मतलब बहुत प्यारी लग रही है, कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, चार चांद लगे थे और रात तो आठ चांद लगे हैं, बरकत हो उसकी। आज आठ बरकत है, कह रही बरकत हो तुम्हें, चार चांद, एक तो ये वो बाकी और आठ चांद तीन है। अच्छा चले आप बोल आपको तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पहले तो आपके प्रोग्राम की, आपके सेट की बहुत बहुत तारीफ करूंगी, आपको वेलकम करूंगी, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे समा चैनल को। अच्छा सुने हारून साहब से कितनी लड़ाई होती है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप हारून साहब के बारे में पूछना चाह रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हारून साहब सुन लिया, आवाज आ रही। हारून साहब से कितनी लड़ाई होती है? हारून नाम नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी शादी को 40 साल हो गए, माशाल्लाह हम लोग माशाल्लाह अभी तक। आप क्या लड़ाई अब तो भूल गए होंगे, वो के शादी हुई थी? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग के तो बस वही यही राज है हमारा, क्या एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो मुझे करते हैं, मैं इनको। आप याद दिलाती रहती हैं कि हम लोगों की शादी हुई थी। अच्छा आपको पता है कि मर्द जो है ना, मर्द अधी शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है, पूछिए कैसे? कैसे? बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है।
लाहौर मोहल्ला होता है, ऐसी बात नहीं है भाई, इंसान आगे सब सेट हो जाता है, शुरू शुरू में होता है लेकिन आगे आगे जाके सब सेट हो जाता है, वो 40 साल में तो समझने लगते हैं। इसीलिए बेचारा बरकत जो है ना वो शादी कर ही नहीं रहा। हाँ, शादी नहीं कर रहा है ना, लेकिन रिसर्च कर रहा है, रिसर्च है इसे बहुत अधिक। लेकिन अभी प्यार एक तरफा होना चाहिए, दो तरफा होने पर शादी हो जाती है। अच्छी बात है। और आज आज इत्तेफाक की बात, हाथ बाहर आ रहा टीवी से, हाथ बाहर आ रहा। अपना एक्सपीरियंस छोड़ दो, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। नहीं, आज मैंने अपना पुराना फेसबुक का पासवर्ड रोड पर जाते हुए देखा, वो भी दो बच्चों के साथ। हमारे पास यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट, उनको मैं बुलाती हूँ जो आपको बताएंगे कि आपको आज क्या फैसले लेने चाहिए, क्या फैसले नहीं लेने चाहिए, या ये महीना ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करूँगी कि हमारे बारे में, कि हमारा ये साल यहाँ पर समाप्त इंशाल्लाह ताला कैसा रहेगा, हमारा स्टार्ट कैसा रहेगा। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हुमायूं महबूब। पतले हो गए आप, डाइट कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा आप कर, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं मुंह पे जरा? नहीं, सिर्फ डाइट से, अभी सिर्फ डाइट से, अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं की। ओके जी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने हमारा जायचाना निकाला हो। है ना, आप मेरे शो में आ रहे हैं और मैं साढ़े चार साल बाद वापस समा पर आई हूँ। मुझे बताएं कि ये फैसला मेरे लिए या समा टीवी के लिए कितना बेहतर है। आपने कल ज्वाइन किया था ना? कल मेरा पहला दिन था, कल पहला शो था। आपने जो साइन किया वो किस तारीख को किया? सब बता दूं? तारीख पूछ रहा हूँ मैं। यार अली, मैं क्या बताऊँ, 1st जुलाई बताऊँ या 4th जुलाई बताऊँ? जिस पे आपने अपना कलम रखा वो जॉइनिंग थी। हाँ, साइनिंग जो मैंने की थी वो मैंने रमजान में, डेट याद नहीं है। अगर आपने मतलब रमजान के शुरू का, अच्छा अली, हाँ तो फिर सही है, डिसीजन बेहतर रहेगा अली। और डिसीजन सही, ये क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अर्ली जून में किया है तो डिसीजन बेहतर रहेगा आपका, और अल्लाह आपको कामयाब करे। अब वहाँ भी थी, अच्छी थी, यहाँ भी है, इंशाल्लाह अच्छी होंगी अल्लाह ने चाहा। और आपके साथ तो बड़ी 6 साल पुरानी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जब आप यहाँ से गई, वो जो बात का दिन था 25 मई, दिन बड़ा मुबारक है। और इधर की फिर इत्तेफाक है, आपने 6 और 7 के फिगर के इन बिटवीन ये साइन किया है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा आपके लिए डिसीजन। लेकिन बड़ी उदासी लग रही है मुझे, उदास ही कर दिया आपने तो। नहीं, उदास नहीं किया, आपको पहले भी कितनी दफा खुश किया, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम। तो आप किसी को खुश करते जब दिल चाहता है, किसी को उदास जब तक के इल्म ना करे। लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ता, मैं अगर कोई हार्श भी बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको नहीं, नहीं, हम सच सुनने की आदी हैं, हमें सच सुनना। नहीं सनम, आप सच सुनने की आदी नहीं है, आप फिर उदास हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच सुनती हूँ। किसके बारे में? अधी के बारे में, आपके बारे में और हमारे बारे में भी, क्या अभी मेरी बात हो रही है और शो की बात हो रही है, हम मेरी बात करें अभी, बरकत होगी। एक सेकंड, देखो सनम, आपके लिए मुझे क्योंकि आपकी राशि का पता है, तो आपके लिए अब ये जो 1.5-2 साल का टाइम है बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होगा। आपने अपनी ज़िंदगी के माजी के कुछ डिसीजन, अगर आपको याद हो मेरी लास्ट मीटिंग जो 2016-17 में हुई थी, मैंने कहा था 2018 का साल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। आप शो में आए थे जब मेरे पास ये, हाँ 17-16 की बात है, और वो आपको मालूम है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। अब आपकी ज़िंदगी में इस साल जुलाई के बाद एक नए एवेन्यूज खुले, और अब आपकी लाइफ का क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि ज़िंदगी के कुछ नए रास्ते खुलेंगे आपकी। और एक नया रास्ता तो समा भी है। हाँ, ये तो प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छा पर्सनल लाइफ में, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। और कुछ डिसीजन मेकिंग लेंगी आप, माइट बी पॉसिबल कि आप कोई, ये तो आपका चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी एक्स फील्ड की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो देंगी, लाइक एक्टिंग, एंड मे बी पॉसिबल कि आप किसी के साथ मिल के प्रोडक्शन कंपनी को स्टार्ट करें और आप ड्रामा मेकिंग की तरफ। ये भी प्रोफेशनल हुआ सारा काम है, प्रोफेशनल, लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है वो तो इस वक्त ये बनी हुई है ना, एंकरिंग मॉर्निंग शो की, लेकिन ये कि ड्रामा मेकिंग और
लाइक मॉडलिंग, ये चीजें अब जरा से तो ये बेहतर होगा मेरे लिए वो करना मैं समझता हूँ ये भी बेहतर होगा, वो उस वक्त वो बेहतर था, उस वक्त प्रायोरिटीज कुछ और थी, अब प्रायोरिटीज कुछ और हैं, तरजीहात तब्दील हो गई। अल्लाह ताला जो भी करता है। किसका शो बंद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं ये ना पूछो यार मेरी तो क्या हो गया बुरा ही आज हमारे इसी पर है तो आप बता दें हमारी पेमेंट फंसी हुई है। नहीं नहीं आपको यहाँ पेमेंट मिल जाएगी सबको मिल जाएगी, ऐसा कोई बंद होता हुआ नहीं लग रहा मुझे अभी कोई। अच्छा कोई नया शो जो और कोई नजर आ रहा हो किसी चैनल पर चैनल का? लेकिन वैसे बता यार ये ना पूछो, ये तो सनम फिर सबका आ जाएगा ना, आप अपनी बात। चलो ये बताए मेरी जगह पे अब कौन आ रहा है? अब मेरे पास जिन तो नहीं है, चार लोग हैं वहाँ पे, अब उसमें से किसके नाम मुझे नहीं पता, पांचवा कोई आ जाए छठा। सनम ऑप्शन दे दें अदी। नहीं 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 वे पर्सनल हो जाएंगी ये चीजें, ये मुनासिब नहीं होंगी। आप यहाँ तक रखे अपने तक रखे। अब मैं यहाँ तक बात करी हो तो भी नहीं आपने बता रहे हैं। मैंने क्यों नहीं बताया आपको? मैंने नहीं कहा आपका शो। बताया 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 यार रिशा जी पर्सनल तो नहीं है। देखा सनम बता दे क्या हो गया आजकल, तो बता देते मुबशिर साहब तो सब बता देते। मुबशिर भाई भी वो भी जाहिर है रिस्पेक्टेबल आदमी है, बिल्कुल बताते तो है ना, लेकिन लेकिन ये कि अभी ये सनम का यहाँ पे अरसा खींचेगा। अच्छा यहाँ पे मेरी जो टीम है, टीम मतलब कुछ तो मेरी जाहिर पुरानी टीम है, और जो नई टीम है उनसे मेरी कितनी बनेगी? नई टीम का मुझे नहीं पता, जो आपकी पुरानी टीम है वो अच्छी टीम है, और क्योंकि मैं उनको पर्सनली खुद जानता हूँ, इज अ गुड मैन एंड इज अ वेरी। सैयद अली इमरान के बारे में बताएं, मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है अली इमरान। तुम सबसे लड़ाई कराओगी सनम, तुम बहुत ऊंचे। नहीं मकसद ये है कि अपने अली भाई की बात कर रही है। नहीं दोनों टीम की बनेगी आपस में, पुरानी और नई टीम की आपस में बन जाएगी, ये कह रही है। अब उसको कौन हेड कर रहा है? ये यही कर रही है। नई टीम को कौन हेड कर रहा है? अली इमरान। हां अली भाई, अली भाई। और पुरानी टीम को? अली भाई। अली भाई यार ठीक है, ये क्या बात है? और हमें भी अली भाई ने बुलाया है ना, अब तो हम एक टीम है। बात ये है कि अली भाई बुनियादी तौर पे हार्ड वर्क करने वाला आदमी है और डेडिकेटेड आदमी है और अच्छा इंसान है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर राय ज्यादा। आज ये कंफ्यूजन, ये दुआ दे रहे हैं, ये बता नहीं रहे दुआ दे रहे हैं। नहीं नहीं हकीकत बात है। अच्छा ये पूछ लो शाजी से, हम 15 दिन में आएंगे और 10-15 दिन में भाई अली भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बरकत को और रुज्मी को हर हफ्ते आप बुलाइए। अच्छा इनके आने से रेटिंग आएगी या नहीं आएगी? प्रोफेशनल बात, प्रोफेशनल। वैसे ही इसका मैं जवाब बड़ा संजीदगी से देता हूँ, इनके आने से भी अल्लाह, बंदा आता है रिस्क आता है, हर आदमी अपना नसीब लेके आता है, लेकिन जहाँ तक रेटिंग का सवाल है वो तो प्योरली रेटिंग कौन लाता है? रेटिंग वो भी नसीब से आती है, बस वो नसीब तकदीर से आती है। मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरा अपनी रेटिंग आती है, मेरी अपनी फॉलोइंग है, अपनी व्यूअर्स हैं, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलता है। बरकत का अपना अपना के आने से रेटिंग आएगी या नहीं? बरकत भैया आपको सूट बहुत करते हैं। अच्छा मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा सूट कैसे करते हैं? मतलब सूट इसलिए करते हैं कि दोनों की बाय नेम आपके साथ हारमोनी, जो जैसे बरकत है इसका पहला अल्फाबेट है बी, उज़्मी का यू इंग्लिश का, और उर्दू में अगर आप चली जाएं तो एन, तो सनम का एन और बी के साथ जो है बी के साथ ज्यादा बनेगा, एन के साथ कभी थोड़ा डिफरेंस हो गया, कभी इख्तलाफ हो। मजाल है कोई करीब करीबी कोई बी हो, ये है ना बरकत, ये बड़ी भी है ये। आप इस पे क्यों नहीं नजर डाल रही सनम, इसको भी बरकत का बी है ना, ये तो बहुत बड़ी भी है। जहाँ बरकत होता है वहाँ हरकत होती है ना, आज तो मीटर्स में हरकत होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद यकीनन हरकत होगी, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कपल हमारी इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री का मतलब एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनसे इतनी अपनाइत है कि लगता है कि वो भी हमारी अपनी ही हैं, हमारी भाभी हैं, पूरी इंडस्ट्री की हमारी भाभी हैं। तो वो आज कपल यहाँ पे मौजूद होगा, और आप अगर कोई भी दिल की बात पूछना चाहते हैं, मजाक अपनी जगह, हमने शो के बारे में वैसे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। आपको यहाँ पे जो है वो हुमायूं भाई बताएंगे और आज होंगे यहाँ पे दिल से बातें, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह से पहले समा के साथ। वेलकम बैक,
हम लोग वापस आ चुके हैं नाजी, और आप सबको पता ही है हम वापस आ चुके हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ वापस आ चुके हैं ना, आप देख भी रहेंगे हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा अपने गेस्ट को बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक गेम है छोटा सा, वो मैं खेलना चाहूँगी और फिर मैं इस तरह वेलकम बैक करूँगी। ये गेस्ट जो मैं अपने बोले हाँ बोले सनम क्या हाल है आपके, ठीक है? ठीक हूँ बिल्कुल, आप ठीक है? आवाज चेंज हो जाती है, आवाज चेंज हुई आपकी थोड़ी थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ी सी मैं बहुत और करें थोड़ा हल्का सा, मैं क्यों करूँ, गेस्ट के लिए रखा है ना, गेस्ट के लिए रखा है वो मेहनत करे। अच्छा जी, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत अच्छे एक्टर, बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मैंने उनके साथ काम किया, और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, आपको समझाते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, और आपको बड़ा मज़ा आता है जब वो सेट पर होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको होता है कि हाँ यार कोई है आपको समझाने वाला, आपको सिखाने वाला, तो वो तो हमारे साथ होंगे। लेकिन जब उन्होंने शादी की तो भाई हम सोचे थे भाई बाहर की लड़की है, बड़े नखरे शखरे होंगे और हमसे तो बात ही नहीं करेगी, तो पता नहीं क्या। लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार करने वाली, बहुत सब में मिलकर रहने वाली, और बहुत घरेलू एक तरह से, मुझे वो लगती है कि घर को भी संभाला हुआ है, शौहर को भी संभाला हुआ है, बाहर फ्रेंड्स में भी मिलती हैं वहाँ पर भी संभालती हैं, सोशल लाइफ भी उनकी एक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। उनको हर अंदाज़ में आपने देखा है, जब वो देसी लगती है तो देसी लगती हैं, जब उनको अंग्रेज़ लगना होता है तो वो अंग्रेज़ लगती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हैं जिब्रान और मिसेस जिब्रान। आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। ये बात तो मुझे 7 साल से पता है, 7 साल वो तो आपको जहाज में पता चल गई थी, शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, ठीक है? तो ये हम सारी कहानी आपसे पूछेंगे, और आज जरा आपको हाँ दिल थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे साथ हुमायूं भाई हैं, बहुत सारे आपके सीक्रेट्स हमें बताएंगे। झूठ तो नहीं पकड़ लेंगे कोई, झूठ पकड़ लेंगे, इसलिए कोई भी बात झूठ नहीं होगी, नहीं सच्ची बातें होंगी, ठीक है? अच्छा पहले आप इनकी दोनों की शक्ल देखे, किस क्या रोब ज्यादा होगा घर में, क्या लगता है बरकत? मेरे ख्याल में भाभी का, भाभी का आप बताएं, भाभी इंग्लिश में झाड़ती होंगी, झाड़ जरा ज्यादा लगती है ना, लेकिन अपनी जबान में भी कोई झाड़े ना बस तो बंदा ही हो जाता है, अपनी जबान का मजा ही अलग है, मुझे पड़ती है ना झाड़, मुझे पता है। अच्छा बताए, नहीं वैसे रोब माशाल्लाह से भाभी का ही होगा, और झगड़ा होता है तो इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, जो भी सामने लैंग्वेज आ जाए, जो भी सहन में आ जाए, नहीं लेकिन ऐसा ना गाली की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो तो गाली होती है। अगर नाराजगी में पहले मनाता कौन है? ऑब्वियसली नाराज भी आप ही करते होंगे। हाँ गलती भी मेरी होती है और मनाता भी मैं हूँ, अगर इसकी कभी कम होती है गलती इसकी, लेकिन हो भी जाए तब भी मैं ही मनाता, तब भी आप मनाते। चलें जी, इसी पे आप प्लीज यहाँ पे बैठे, और भाभी जी अच्छी बात तो नहीं है, है ना, गलती भी आपकी, हमारा भाई बेचारा मनाता है ना, सारे लोग क्या हाल है, कैसे है? माशाल्लाह 7 साल हो गए आपकी शादी को, है ना, 2 बेटे 3 बच्चे 3 बच्चे 2 बेटे 1 बेटी है माशाल्लाह, और उनके नाम क्या है? योएल बेटा है, फिर ईवा और फिर इजाया। नाम किसने रखे? मिलके रखे, मिलके। योएल इस पापा ने रखा, लाइक इनकी सिस्टर ने रखा है। अच्छा ओके। हाँ, और ईवा जो है वो सबसे पहले सोचा हुआ था। मैं कह रहा था बेटी हो तो बेटी का ज्यादा शौक था। ओह यस यस, बेटी दूसरे नंबर पे हुई दोनों को, दोनों को, तो ईवा वो रख दिया, और योएल के टाइम पे ही इजाया भी सोचा था एक ऑप्शन में, तो वो फिर ऑप्शन आ गई तीसरे नंबर पे, तो फिर उनका वो नाम रख दिया। सही है, तो जरा इनके बारे में भी हमें बताइए, आप दोनों अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिख के दीजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ तो रिमेंबर एप्रोक्सीमेट अगर हो, है ना, अंदाजन। हाँ, और पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं इनके बच्चों की, आप देखें इनकी फैमिली पिक्चर्स, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कितना खुश हो रही है ना,
लग रहा है पहली दफा बच्चों को देख रही हूं Because अभी सारी recent pictures, there's such a good research. Like the other day, the morning show पर गई थी और उन्होंने मेरी like 2 साल पुरानी मोटी मोटी pictures. ये recent आपने सारी प्यारी प्यारी pictures लगाई हैं है ना? अच्छा उन्होंने वजन भी काफी कम किया वैसे. मैं पूछूंगी कि क्या किया है ना आप मुझे जरूर बताइएगा आपने क्या किया. अच्छा सनम हमारी पाकिस्तानी बीवियां और भारत हैं नहीं. अच्छा अब पुरानी भी दिखा रहे हैं देखे जरा ये थोड़ी सी पुरानी है ना ये पुरानी है बट अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहुत आप माशाल्लाह एक काम अपनी जगह लेकिन लोगों से मिलते हैं दोस्तों से मिलते हैं सोशलाइज करते हैं आप भी लिखेंगे बेगम ने लिख लिया अपनी तरफ जो उनका दिल चाहेगा वो लिखेंगे आप जरा इनका जायचा निकालें मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगी 13 की वजह से मुझे 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ती और दोनों दिन सेलिब्रेट करते हैं 13 भी और 14 क्या बात है जाते Well, गुजर होता है अगर कभी लाहौर आप जीटी रोड से वैसे झेलम में अब कोई है नहीं है सच तो लेकिन हाँ माय फादर वाज पोस्टेड इन झेलम एट दैट टाइम तो वैसे मेरा भाई गांव मर्दान क्या करते थे फादर डॉक्टर आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट अच्छा सो ही वाज पोस्टेड एट दैट टाइम इन झेलम ओके तो आई वाज चलिए पहले जिब्रान साहब का जिब्रान का शुरू करते ठीक है जी देखें जिब्रान साहब बुनियादी तौर पर बेसिकली आप बहुत ही जितना आप चेहरे से बारोब नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से आपका दिल उतना ही एक होता है ना ग्रेंजर एक जिसे ये कह लें कि व्हाट शुड आई से एंग्री यंग मैन टाइप वो जो चीज़ एक अपेयरेंस आती है वो नहीं है बाय नेचर ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ वेरी हम्बल वेरी काइंड हार्टेड मैन इनकी ज़िंदगी में सबसे पहले तब्दीली आनी शुरू हुई जब 2010 का साल गुजरा और 2011 का जनवरी आया तो ही गॉट अ चेंज इन हिज लाइफ उसके बाद ये आपका जिब्रान साहब जिंदगी में अपने 2 ऑर्गन्स का ख्याल रखिएगा इंटरनली एक स्टमक इंटेस्टाइन और दूसरा जब भी आपको कोई इंटरनल रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ये पेट का एब्डोमिनल जो स्टमक और इंटेस्टाइन उसमें आ गई उसमें गॉल ब्लेडर भी आ गया दूसरा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा अपनी लोअर बैक का स्पाइनल कॉर्ड का ये ज़िंदगी में आपको कभी डिस्टर्ब कर सकती है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो टाइम चल रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है मगर उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे इस साल के नवंबर के बाद आपका वो दौर आ रहा है कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और जो अल्लाह आलम भी सवाब लेकिन जो मुझे पूछ ही सामने बैठे हुए मैं जो बात भी करता हूँ सामने ही करता हूँ दूसरा जिब्रान साहब आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ ऐसा आदमी जब अपनी जन्मभूमि ये तो हिंदी का वर्ड हो गया जब अपना देश अपना वतन छोड़ता है वहाँ से उसकी किस्मत एक्टिवेट होना शुरू होती है और आपको लाइफ में 2 टाइम सर्वाइवल मिलेगा मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ सर्वाइवल इन दैट सेंस अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया कोई ऐसी चीज़ होगी 2 दफ़ा तकदीर आपको मौके देगी खुदा ना खास्ता ये फ्यूचर में है या ये हो चुका है ये ना पूछो यार अच्छा चले मैं फिर नहीं प्लीज आई वांट टू नो आपको एक चीज बता रहा हूँ 2030 और 2031 अभी बड़ा फार है इस टाइम में केयर कीजिएगा और आप आ तो एक्टिंग में गए लेकिन आप बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते थे प्रोफेसर हो सकते थे टीचर हो सकते थे लेट मी टेल यू समथिंग ये वैसे डॉक्टर है बैक क्वालिफिकेशन वो नहीं इनका प्रोफेशन तो इस वक्त एक्टिंग है ना इस वक्त प्रैक्टिस तो डॉक्टर की नहीं कर रहा है ना तो आई एम सेइंग दैट ही इज वर्किंग इन दिस प्रोफेशन बट एक्चुअली ही वाज बोर्न फॉर काउंसलिंग फॉर टीचिंग बिकॉज ही कैन डिस्क्राइब एनी थिंग्स एल्स दुनिया का कोई सब्जेक्ट आप दे लें ये उसके ऊपर बोल लेंगे जैसे जिब्रान अगर सेट पे हो ना तो कोई भी दुनिया का टॉपिक हो ना तो ये उस पे आराम से आपसे घंटों बात करेंगे है ना
बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यार आप बहुत प्यारी लग रही हैं और शुक्र है मेरी कॉल मिल गई, वरना कॉल ही नहीं मिलाते ना यहाँ पे तो। इतने दिनों बाद नजर आई है ना, जैसे कभी मैं प्यारी लगती ही नहीं हूँ आपको। पहले यार लगते हैं, हमेशा लगती है, लेकिन आज भी बड़ी प्यारी लग रही है ना, समा पे जो है इसलिए बहुत प्यारी लग रही है। समा से आप लोग कितना माशाल्लाह प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात करना चाहेंगी? कुछ हमायों महबूब से पूछना था अपने बारे में। जी जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1996। क्या 1996। और कितने बजे पैदा हुई आप? तकरीबन 4:30 बजे जुमे के दिन, 4:30 शाम में, सुबह में? सुबह में, सुबह में। अच्छा 4:30। और कहाँ पैदा हुई थी आप खातून? नारोवाल में। कहाँ पैदा हुई थी? नारोवाल में, नारोवाल। नारोवाल, अच्छा 1996 जी। ये सुबह 4:30 और आप पैदा हुई नारोवाल। मुझे भी तो पता चले अपने आप को, मैं इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ हर कॉलर के साथ। है खातून वो सुन रही होंगी अब, आयशा है मरी से, ठीक है ना, लेकिन आप उनको बता दें तो फिर वो जायचा डिलीट हो जाएगा, फिर अगले पे फोकस। अच्छा नहीं फिर बता दें। देखें खातून, ये जिन खातून ने सवाल किया था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन खातून है, और मैं एक बात बताऊं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने गट फीलिंग बड़ी मजबूत बनाई है, इनकी छठी बहुत तेज चलती है, इनको आने वाली चीज़ों का पहले से इंट्यूट हो जाती हैं चीज़ें। दूसरा इनके साथ प्रॉब्लम ये, इनके सीने में सिक्रेशन डिवेलप होती है, इनका चेस्ट मुतासिर है। अगर ये होती तो मैं हाथ के हाथ कन्फर्म कर लेता। और इस वक्त जो इनकी ज़िंदगी का टाइम चल रहा है इनका, ये मेरे हिसाब से अगले 2.5 महीने 2.5 दिन में ये अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा मेरा कोई भी टीम मेंबर अगर मेरे सामने खड़ा होगा तो मेरे लिए चीज़ें आसान होंगी। मुझे कब से पेन चाहिए और मैं वो मांग नहीं पा रही, कोई मेरा टीम मेंबर मेरे सामने नहीं है, तो प्लीज़ मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने रहें आप लोग। मैं कब से ढूंढ रही हूँ अपने टीम मेंबर्स को, कोई मुझे मेरा अपना छुपन छुपाई के सनम इनका अब फिट करूँ आपका हाथ। जी अब आप। अच्छा ये आपके साथ भी है, आपको भी बिफोर टाइम चीज़ें, गट फीलिंग आपकी बड़ी मजबूत है, इंट्यूट हो जाती है। मैं उस वक्त भूल गया बताना आपको क्योंकि वो दूसरे चीज़ें चल रही थी। 13। अच्छा बाकी मैं आपकी कॉल सुनूंगी, अभी आयशा ने हमें मरी से भी कॉल की थी तो मैं हम दोबारा इंशाल्लाह आपकी कॉल लेंगे। और ये इतने सारे बलून आप सामने देख रहे हैं, क्यों रखे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम। आप बीबी पैदा कहां हुई थी? लंदन, लंदन, यूके। ये भी यूके में हुआ था, यूनाइटेड खैरपुर। अच्छा पाकिस्तानी बीवी और बाहर की बीवी में फर्क पता है क्या सनम? क्या हमारी पाकिस्तानी बीवियां 5 घंटे और 20 मिनट बोलने के बाद कहती देखो मेरा मुंह मत खुलवाना। I tell you what, बाहर की बीवी भी ऐसे ही होती है। वैसे मुझे भी बाहर की बीवी अच्छी लगती है। क्या कह रहा? बाहर की बीवी, बाहर की बीवी अच्छी लगती है। वो घर से की वजह से अच्छी लगती है, ऐसी अच्छी लगती है। भाई घर में तो रोजाना उसी को देखता हूँ, बाहर की अच्छी लगती है। अच्छा आज बेटा घर नहीं जा रहा, इसी बॉक्स के अंदर ही रहना। अच्छा सनम आपको पता है लेट शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्या होता है? जब बच्चों पर रोप डालने का वक्त होता है ना, तब तक डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना कर दिया। अफीफा को ना इंटरेस्ट है कि मैं जल्दी। आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पे सुनाऊंगी। आपने इसकी गैस जो एकदम से वो लेनी है अपने मुंह में, एंड आपने कहना है छोटे से ब्रेक के बाद मेरे बारे में जानिएगा, ठीक है? ताकि मैं अलाइव रहे। छोटे से ब्रेक के बाद मेरे हाँ, मेरे बारे में जाने, जो भी आपको उर्दू में आप क्या कर रहे हैं इसको, जस्ट लेट द एयर गो इनसाइड, इनहेल करें इसको। जानेगा। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आप लोगों की कॉल्स,
और इनके बारे में मजीद हम जानेंगे और इनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे, मुल्क के बारे में जानेंगे, तब्दीली आएगी या नहीं आएगी वो जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिंदाबाद, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और हमारे साथ हैं यहाँ पर सैयद जिब्रान और अफीफा जिब्रान, और यहाँ पर बरकत उज़्मी और हुमायूं भाई हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, कॉलर्स हमारे साथ हैं, यहाँ पे पब्लिक हमारे साथ है। तो अफीफा कितनी एक्साइटमेंट है, मैं इनको इनफैक्ट ब्रेक में भी बक कर रही थी, है ना, लेकिन बताया तो नहीं इन्होंने कुछ, नहीं बताया ना। अब आप अफीफा के बारे में नहीं बताते, ये नहीं बताते, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा, ऑनेस्टली अच्छा। देखें अफीफा जी, आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने, बुनियादी तौर पे बेसिकली यू आर वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल वुमन। इनसे आपको शादी में मैं ये कहूँगा, इन्होंने कम एफर्ट की, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल। लोग क्या कहते हैं, बाहर की लड़कियां, नहीं 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 नहीं, और यहाँ पे देखें जरा, है ना, कितनी पॉजिटिव बात है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया है बनिस्बत उनके, मैं सामने बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, आपकी जायचे के अंदर मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपके डीएनए में मोटापे की टेंडेंसी है, यू मस्ट कंट्रोल दैट, वरना डायबिटिक का चांस आपको आइंदा बनता है। ये आप अपने अपने वजन को हमेशा कंट्रोल में रखिएगा। और नंबर एक, अपेरेंटली आपकी टांगे, जॉइंट्स, इन चीज़ों में दर्द और इंटरनल ऑर्गन में, आप ऑलवेज यू विल टेक केयर ऑफ योर लीवर, जिगर का, हेपेटाइटिस, इन चीज़ों की हमेशा ख्याल रखिएगा। दूसरा, अगर मैं एक पर्सन बात आपसे पूछ लूँ, अगर हो तो मुझे ना कर दिएगा, हाँ तो 2012 और 2014 के दरमियान, ये वो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम था बिटवीन यू एंड हिम, आप दोनों के दरमियान, कि यहाँ पे कोई डिफरेंस, कोई कॉन्फ्लिक्ट? नहीं नहीं, आते हुआ, he's right. और रीज़न, मेरे 2012 दिसंबर में फर्स्ट बेबी हुआ था, ठीक है, और वो मेरा फर्स्ट बेबी था, न्यू कंट्री, मैं मेट्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज। व्हाई? बिकॉज़ उस फेज में मैं इनको कन्विंस करना चाहती थी लंदन शिफ्ट हो जाओ, यू नो, और वो शिफ्ट नहीं हुआ था, इट्स लाइक इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम, यस, मतलब था, ही इज राइट, यू आर राइट, वाह वाह वाह, भाई ताली हो गया। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट मैं वहां तक आ गया था कि वी वर प्लानिंग टू गो देयर, एक्चुअली जस्ट for her peace of mind and all, separation ya dono ke darmiyan cold relation ya dono ke darmiyan aap apne zindagi mein Allah na kare isko intern nahi jana hai to maine kaha chalo fir kyunki if I shift then I'll have to leave showbiz but I tell you one thing very special that was the time jahan pe aapko khuda na kare dent lekin Allah ne mehfooz kiya lekin compromise inhone kiya uska ek reason mujhe afifa se zyada pyar ho gaya jibran bhai cancel ho gaye afifa bhabhi zindabad bechara is a very kind hearted assassin hai hamare aur dono aap dono ke darmiyan kyunki basically I am a follower of vedic astrology which is indian based to aap dono ki harmony jise kehte hai na lakshan aur gun milna wo aap dono ke darmiyan milte चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस कितने ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, ये आप दोनों के दरमियान है। और जब आपका सेकंड बेबी पैदा हुआ तो आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आना शुरू हुई इन अ पॉजिटिव वे। और अब इस साल के ऑनवर्ड दिसंबर एंड नेक्स्ट 1.5 ईयर आप या आप इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी या चेंज ऑफ रेजिडेंस प्रॉपर्टी एक्वायर करें। मैं अपने काम के साथ अल्लाह का करम और पंचन पाक के सत्कार के बाद ये ईमानदारी का काम है, इसमें आपको लाइकिंग और डिसलाइकिंग को पीछे फेंक, यहाँ तो खैर एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग और खातून। एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ, जिस चीज से इनको रोकना चाह रहे हो, नहीं रोकना नहीं, ये ब्लेस्ड वुमन है, ये रही इंग्लैंड में, पढ़ी इंग्लैंड में, बड़ी इंग्लैंड में,
लेकिन अंदर से आइडियोलॉजिकली ये जितनी फर्म बिलीवर ऑफ रिलीजन होगी शायद मैं और आप भी उतने नहीं होंगे. एक होता है ना प्रैक्टिकल, नमाज पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अंदर से फर्म बिलीवर है और इस बंदी को कुछ होने वाला होता है ना तो यहाँ टिक 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 होने लगती है. और एक दो तीन, आप फादर से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच आपको होना चाहिए था और ज़िंदगी में अब आपका जो आपकी कायनात है ज़ाहिर शौहर तो है मगर आपका टोटल फोकस और फोकल पॉइंट आपके किड्स हैं और इन तीन बच्चों में आपको एक बच्चे की बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी. एक बेबी आपका ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा इंगेज होंगे, चाहे उसके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे उसकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. और दूसरी चीज़, अभी आप करें काम और कमाएं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी मगर आपकी जो जायचा मैंने देखा ना, आप कितने पोलाइट और हम्बल आदमी है ना, लेकिन जब आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्पर्सनिफाई करेंगे यानी नेगेटिव करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी बनिस्बत पॉजिटिव के. ये अजीब सा योग बना हुआ है आपकी कुंडली में. ये लग रहा है ये नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात कर. हाँ मैंने नेगेटिव ऑन स्क्रीन, यानी हीरो ऐसे लोग हीरोइक से ज्यादा नेगेटिव विलेनिश रोलों में बहुत ज्यादा बहुत याद है वो ड्रामा कितना हिट हुआ था जो ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था. मैं आपके पास कुछ कनेक्ट करेंगे, वो जो आपने पीरियड बोला था 2012 से 2014 जिस पे यू नो आई वाज गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन फर्स्ट बेबी कन्विंस कर रहे थे लंदन चलो और इन द एंड वो कन्विंस हो गए कि चलो लेट्स गो. यू नो हम टिकट्स तक ले लिए, फ्लाइट से लिटरली टू डेज पहले इनको चुप रहो ऑफर हुआ और जब वो मेगा हिट सीरियल उनको ऑफर हुआ सो आई टेक अ बैक स्टेप and I was like agar tum mere liye ja sakte ho to main tumhare career ke liye ruk sakti hu. Sacrifice kiya. Yes, I did. Can I ask one more question? Acha kya aap kuch puchna cha rahe hain lekin jawab main aakhir mein lungi. Aap puchna kya cha rahe hain? Main ye dono puchna cha raha hu ki aapke walidain mein se koi khuda na khasta ill to nahi aaj tak? मेरे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. शुक्र है. नहीं नहीं दोनों ने. चलिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा चलिए जी आपके साथ एक गेम खेलना है ठीक है और देखना है कि आप एक दूसरे की जबान अगर थोड़ी सी लड़खड़ा है या चेंज हो आवाज तो समझ जाएंगे या नहीं समझते कि भाई अगले बंदे ने क्या बोला है. ठीक है तो आपको ये पता है अभी हमने आपको ब्रेक में भी सिखाया बोलना ठीक है. इनहेल करना है पूरा और बोलना जो है वो मैं आपको बताऊंगी. पहले तो आप एक सेकेंड आपने बोलना है पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला ठीक है ना. पानी का बुलबुला चलो ऐसे पानी का बुलबुला नहीं नहीं भाई एक और दोबारा दोबारा वंस मोर. हां ये क्या बात चेंज हो जाती है इसमें. देखो कौन अच्छा खेलता है. चलें जी जल्दी जल्दी कि बोले पानी का बुलबुला और बोलना है नाच बसंती नाच और आपने नाचना भी है फिर पूरा इनहेल पूरा पूरा वेरी गुड वेरी गुड. बोले वाह वाह वाह. अच्छा सनम एक शाजी से नहीं नहीं शाजी से दो और उसके बाद इसकी कुंडली बताएं. सही आवाज वैसे बाकी बदल जाती है. अच्छा चलें जी गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती सनम से दोस्ती छोड़ी नहीं जाती. वाह 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 बचपन याद आ गया. गरम 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 रोटी सिर्फ गरम गरम तक वो आवाज खराब होती फिर ठीक हो जाता है. रोटी ठंडी हो जाती है. जल्दी बोले गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती. आपकी टर्न और आप पे बोला है तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ चुकी है. ओह वाओ पहले बगैर इसके बोले
تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. آپ کی ٹرن, اور آپ نے بولنا ہے میسنا پنا چھوڑ دو پلیز. یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں آپ, میسنا پنا چھوڑ دو. یار یہ برکت کو بھی دو. نہیں نہیں ہم کرتے ہیں, نہیں نہیں ہم آفر بہت کیا ہم نے, آپ کا ہے آپ کا ہے. مجھے بھی سننا. نہیں نہیں آپ دونوں جا دو. اچھا آپ کے لیے صرف نعرے ہی نعرے آ رہے ہیں, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. پہلے ویسے بولو مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. جبران بتاؤ بھائی. ارے یس میرا موبائل نمبر ہے 1 2 3 4 5 7 8 9 10. سب اسی پہ کرے گا آج کو. میرا موبائل نمبر ہے 1 2. آپ نے بولنا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. موبائل نمبر دے رہے ہیں لڑکیوں کو اپنا, دیکھ لینا. کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. یہاں پہ بات اچھا لگ رہا ہے ان کو میرا. جلدی بولنا ہے. شرم ہوتی ہے. اور آپ نے بولنا ہے بچے تین ہی اچھے. ویسے دو تھا نا تو ان کے تین بچے. ان کے تین ہیں. اچھا بچے تین. اوکے اینڈ آپ نے کہنا ہے کھانے میں ذائقہ نہیں. نہیں نہیں کتنے آدمی تھے, کتنے آدمی تھے, سارے کھلا دو یار. نہیں سارے لیڈیز تھی, آدمی نہیں تھے. کتنے آدمی تھے. اگر گبر سنگھ ایسے بولتا کوئی بتاتا. اٹھاتی ہوں برکت, یہ لو میں ایک ساتھ لیتا ہوں. اب برکت آئے, بریک لیں تینوں. آئے برکت بھی, چلے تینوں, چلے جی. اوکے جلدی سے برکت کو دیکھ کے ہمارے بھاگ جائے. ہم تینوں یہ بولیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ایک چھوٹا سا بریک, ٹھیک ہے؟ چلے جی ڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری باری بولیں ایک چھوٹا سا بریک, ایک چھوٹا سا بریک. او مائی گاڈ, چھوٹا سا بریک, ایک سیکنڈ نا, چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ ہے, اور میرا ایک دل چاہ رہا تھا بات میں پوچھوں آپ کے ساتھ ایک بہت مزے کا گیم تو میں کھیلوں گی آگے ایک اور, ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ عفیفہ ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں, لیکن آپ کے پارٹنر میں کبھی کوئی ایک چیز جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, تو عفیفہ کی کون سی بات آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے اور کون سی بات آپ کو جبران کی بہت, کہ بس جبران نے یہ بات. ہم دونوں کا سیم پوائنٹ ہے, جو اس کو میرا برا لگتا ہے اور مجھے اس کا اچھا یا برا. اب کنفیوژن یہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتی اور یہ بہت زیادہ پنچر ہے. اچھا یہ دونوں کی یہ بری عادت ہے, باقی کس باتوں پہ تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے؟ فون کون زیادہ استعمال کرتا ہے, موبائل یا کیا؟ نہیں ہوتا ایکچولی, یو نو, بیکاز اب تو بچوں پہ
मुझे तो याद भी नहीं पड़ता. ओनली टाइम लेट ही होता है. जल्दी करो ना यार, पहले जैसे आज सुबह तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं. ओह यस, एक बात याद आ रही बड़ी इम्पोर्टेंट, दोनों को एक एक बात. ऑलवेज पानी से दूर रहिए. पानी से दूर रहूं? हाँ, स्विमिंग नहाऊंगा नहीं समंदर में, स्विमिंग पूल में, रिवर में. ओह वाह, रिस्क मत लीजिएगा. और इनका हाइट जैसे होता है ना, एक हाइट फोबिया, जहाज में सफर करना ऊंचाई. अच्छा, अब देखिए आपने जो बात की, मैं एक बहुत जबरदस्त स्विमर हूँ. मैं आपको स्विमर, और ये कहती है जितना ऊंची हाइट पे रहो, चलो तीन फ्लोर पे अपार्टमेंट, ये कहती है. और ऊपर हम तो दोनों उल्टा कर रहे हैं. नहीं, उल्टा नहीं कर रहा. बुरुजन दास, जिसने सबसे पहले इंग्लैंड चैनल को उबूर किया था पानी में डूबते हुए, ही वॉज द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड. मुझे जल्दी से आप सिर्फ ये बता दें कि पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि वक्त कम है तो मुझे छेड़ा, मैं इसको 3 मिनट में वाइंड अप कर सकता हूँ. देखिये सनम बहमदुल्लाह पंचम पाक के सबके, आई वॉज सिटिंग इन इलेक्शन ट्रांसमिशन ऑन एयर वाइज. मैंने कहा था इमरान खान को सिंपल मेजॉरिटी या नियर टू सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, और नून लीग को 60 से 65 सीटें, और पीटीआई को 110 से 120 के दरमियान, और पीपी को 40. वो 3 सीटें ज़्यादा लेगा. और एमक्यूएम को मैंने कहा था 5 से 7 सीटें मिलेंगी. मगर इमरान खान के लिए, अल्लाह ताला उस शख्स को ज़िंदगी दे पंचन पाक के सबके, बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है. मगर मैं साथ साथ ये बता दूँ, अल्लाह का करम है, ये 15 अगस्त को उठा रहे हैं, ये मच बेटर है. अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं कहता इनको 7 सितंबर के बाद वोट टेकिंग ले, मगर इतनी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त जो हलफ उठा रहे हैं. हाँ, वोट टेकिंग अब 15 को उठा रहे हैं. एक 11 को सुना था, 13 की रात सुन रहे हैं. नहीं नहीं, यानी 14 या 15. लेकिन अभी आप ब्रेक में एक बात कर रहे थे, क्या हम ऑन एयर बात कर सकते हैं अपने उनकी वाइफ के हवाले से कोई बात? हाँ, बहुत अच्छा सवाल. देखिए तो जल्दी से बताएं, फिर मैं उनके साथ. देखिए इमरान खान साहब बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ 10 किताबें जब रियाम साहिबा किताब ली, मैंने कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके नसीब में ऐसा योग बनाया हुआ है कि उसको इज्जत मरते दम तक मिलनी है. अब होता क्या है, उससे पहले 1 मिनट मुझे दीजिए. आका सैयदना, आपने कहा था 3 मिनट 4 मिनट हो यार, वो ज़रूरी है इसके साथ. आका सैयदना मौला अली के ज़माने में एक यहूदी इस इल्म पे बड़ा कमांड रखते हैं, एक बंदा बैठा हुआ था, उसने पूछा मेरे साथ क्या. उन्होंने कहा 2 साल में तू मर जाएगा. 2 साल के बाद वो आया आका सैयदना मौला अली से कुछ पूछने, तो आपने वो घबराया, जब आप किसी को मौत का कहेंगे वो घबरा जाता है, तो आपने फरमाया तो फलां लड़की से शादी कर ले. उसने शादी कर ली. वो एस्ट्रोलॉजर वापस आया, उसने कहा मैं हैरान हूँ तू क्यों जिंदा है. तो आप मुस्कुराए, आपने कहा तेरा इल्म अपनी जगह दुरुस्त था, मगर अल्लाह ताला ने इसको उस औरत से मंसूब कर दिया जिसकी किस्मत में बेवा होना नहीं लिखा. वीडियो तो अब इमरान खान साहब की, मैंने कहा था इनकी 1 शादी भी नाकाम, 2 भी नाकाम, 3री पे भी हल्का सा वो है, लेकिन इमरान साहब को अल्लाह और इज्जत दे. लेकिन ये वो औरत जिंदगी में आई है जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके नसीब को और मजीद बढ़ा दिया. बहुत आला. चले जी, आपके साथ एक गेम खेल रहे, देखती हूँ कि आप एक दूसरे को समझते कितना है. आप यहाँ पर जरा बैठे, आप आइए जी. अफीफा यहाँ पे आप बैठेंगी, ठीक है, और आप जाएंगी काउंटर पे. ये जरा आपकी हेल्प कराते हैं खाना. हाँ जी, खाने पकाने में. ठीक है, ये रहा आपका तो कैमरा. मैं तो समझ रहा छुट्टी है, अभी आपको पढ़ना नहीं है. वो जिब्रान कह रहे हैं मैं समझ रहा था छुट्टी है, मुझे नहीं पकाना पड़ेगा, आज भी पकाना है. ठीक है, अभी आपने ये पढ़ना नहीं, जब मैं आपको कहूंगी तो आपने पढ़ना है, और जो जो आपको ये कहेंगी और पेजेस को जल्दी जल्दी से नहीं वो करना, ठीक है, ताकि वो अपना काम करें जो आप उनको बोल रही है. ठीक है, डन है. अच्छा, ये मैं इनको डिक्टेट कर. हाँ ठीक है, जो आप कहेंगी वो ये करेंगे, और मैं देखती हूँ कि ये करते हैं या नहीं करते. और आपका टाइम 1 सेकेंड शुरू होता है. कब पता नहीं कब. गर्म गर्म ये वाला चल रहा है देख के. या डन. ओके ग्रेट. ओके जी, अफीफा क्या करना है जिब्रान ने. ओके जिब्रान, सबसे पहले सनम सनम को अंदर डालना में जो माइक है वो नहीं और ऑडियंस पे जाए. पहला जुमला वो समझे नहीं, दोबारा बोलिए. जिब्रान सबसे पहले सनम के हैंड से माइक ले. माइक ले लिया. ले लिया. ओके,
और ऑडियंस में जाए वहाँ एक ब्लैक कपड़ों में लड़के है उनसे कढ़ाई ले कढ़ाई है अच्छा है हाँ है नहीं आप नहीं बताएं किसके पास कढ़ाई है खुद बताएं किसके पास है कढ़ाई कढ़ाई ब्लैक कपड़ों में कढ़ाई है ब्लैक कपड़ों में कढ़ाई किनके पास है भाई एक लड़की के पास कपड़ों में कढ़ाई हुई है कपड़ों में कढ़ाई है नहीं कहाँ है कढ़ाई जल्दी से दे कढ़ाई दे किसके पास है ब्लैक कैसे चलाक बन के बैठी हुई है ना मिल गई मिल गई कढ़ाई ऐसा ये चूल्हे से ये हटा दे हमने तो ये रखा है ओके अब क्या करना है फीफा अब जल्दी से चूल्हे के पास आए और चेक करे चूल्हा ऑन है ऑन है हाथ संभाल कर ऐसा ना हो कि जल जाए संभाल के हाथ कितना ख्याल रखती है लोग कहते मुंह संभाल के पढ़ के ख्याल रख रही है चलो जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दें जले हुए दिल से याद आया कि आपका दिल सबसे ज्यादा कब जलता है सबसे ज्यादा कब जलता है मेरा दिल हाँ चूल्हे के पास जलता है बाहर जब मैंने कहा जब छुट्टी वाले दिन भी खाना पकाना जैसे आज वैसे खाना बनाते हैं आगे क्या करना है आपकी शौकिया ये सवाल का जवाब देने के साथ साथ हाथ भी चलाए और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दे आप एक काम करें ऑयल ले और उसे हरी मिर्चों के साथ उठाकर बोरी 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 हरी मिर्च ना उठा के दोबारा रख दे अच्छा ऑयल को क्या करना है और हरी मिर्चें ऑयल और हरी मिर्चें ऑयल डाल दें है ना बिल्कुल भी ऑयल में मत डाल दीजिए बिल्कुल भी ऑयल में मत डाल दीजिएगा बल्कि सिर्फ ऑयल आप कढ़ाई में डालें और डाल दिया और जब तक ऑयल गरम हो रहा है आप गाना भी सुना सकते हैं ओए होए होए गाना माइक दे भाई गाना सुनाना पड़ेगा माइक जो आपने ले लिया था ना पश्तो में सुना कुछ तो हां कुछ हां पश्तो में सुना दो जो सनम से माइक लिया था आप माइक ही नहीं चल रहा माइक चल रहा है आजकल बहुत बेसुरा आदमी हूं मैं कोई बात नहीं आजकल जो बेसुरा वही तो गा रहे हैं वो आजकल कौन सा गाना चल रहा है मतलब दिल्ली वाला क्या तब दिल्ली आई रे रोक सको तो रोक लो तब्दील मुझे नहीं आता स्टोरी हमें भी इतना ही आता है बस रोक सको तो रोक सको तो रोक लो तब्दील आई रे रोक सको तो रोक लो तब्दील आई रे नहीं इससे अगला मिसरा सबसे इम्पोर्टेंट है मुंह काला करप्टों का देता है दुआई रे मुंह काला करप्टों का देता है दुआई रे रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है ओके अब क्या करना है फीफा लेकिन चिकन बॉयल उसमें डाल दे अब इसमें नमक डाले उबली हुई चिकन डालनी है अब इसमें नमक डाले नमक कितना डालना है हस्बैंड जाएगा बताया बस हस्बैंड जाएगा दो चुटकी संदूर हाँ जी थोड़ा सा जी इसके बाद नमक डालें फिर भंगरा डालें चुकंदर देखे आपके पीछे कहाँ नजर आ रहा है चुकंदर कहाँ है भैया आपके पीछे चुकंदर कहीं छुपा हुआ है छुपा हुआ है कहीं नहीं होगा चुकंदर होगा लिखा है तो होगा पीछे चुकंदर का चुकंदर नहीं बैग खोल रहे नहीं बैग तो मेरा भाई नहीं करो यार अच्छा हाँ वो ये बरकत का बैग है हाँ बैग बरकत का चुकंदर है जल्दी ढूंढ चुकंदर है यहीं पर है चुकंदर जल्दी से चुकंदर बहुत जरूरी है यहीं पर चुकंदर है थोड़ा सा आंखें खोले चुकंदर यहीं पर है चुकंदर है चुकंदर उसके अंदर अंदर उसके अंदर चुकंदर है एक काम करो बाहर देखो भाई बहुत सामने नजर आ रहे चुकंदर गमले के अंदर चुकंदर होता कैसा है हाँ इसमें आपके सामने यार इसमें से तो नहीं पड़ा यार इधर आए यहाँ से देखे एक मिनट चुकंदर ये मिल गया क्या करना है इसको चुकंदर इस रेसिपी के लिए नहीं भाई खून के लिए इसलिए चुकंदर को छोड़े आप और अदरक उठाए और लहसुन पे चुकंदर के पीछे लगे अदरक जी क्या करना है इसको हाथ में रखे और देखे कि वहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट है जल्दी बताए टाइम लग
हाँ जी पेस्ट है, वाह वाह है पेस्ट है। जब रखा हुआ है तो उसमें पेस्ट यूज करें, अदरक और लहसुन को साइड पर रख दे। आप कैमरामैन के पास चीनी है, जल्दी उससे ले। कैमरामैन के पास कौन से वाले? कौन से वाले है? बहुत सारे हैं। ये कैमरामैन के पास है। चीनी डालनी है कढ़ाई में। देखो जहाँ चूटियां नजर आए वहाँ बस। चीनी दे दे यार। ओह इधर इट इज। कैमरामैन के पास चीनी है। आपके पास कढ़ाई बनाने का वक्त बहुत कम है, आप सिर्फ चीनी पे फोकस रखे। चीनी पे फोकस रखे भाई। चीनी मिल गई है तो एक कैमरामैन से लेकर दूसरे कैमरामैन को दे दे। अगर चीनी मिल गई तो एक कैमरामैन से लेकर दूसरे को दे, क्योंकि कढ़ाई में चीनी का कोई काम नहीं होता। हाँ जी। आप एक छोटा सा काम करे, कढ़ाई में लाल मिर्च पिसी हुई डाले और फौरन भागे। भागे रन। लाल मिर्च पिसी हुई क्या डाले और फौरन रन करे। डाले और रन 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 कढ़ाई को रन करे ना भागे। जोर से नहीं नहीं आप रन करे। गोल गोल रन करे। गोल गोल कितनी देर? और ऑडियंस में सेकंड रो में किसी के पास व्हाइट मलमल का कपड़ा है, उसमें बहुत कीमती खजाना है, उससे उसे खोले बगैर अपने पास रखो। रख ले, दे दे। अब एक काम करो, कढ़ाई को छोड़ो और खजाना है उसे मेरे पास लेकर आओ और अब उसे खोलो। कम ऑन वे ए खजाना है भाई। खजाना इसमें कुछ है। अब इससे नजर उतारो। असल काम यही था, कराए तो बनी हुई है। जबरदस्त। इस कपल की भी नजर वाह भाई। अच्छा असल सकर। काम तो यही था कि नजर उतारनी थी, कढ़ाई तो बनी जाएगी, कोई ना कोई बना लेगा कढ़ाई। हमने पहली दफा देखा मॉर्निंग शो में। अच्छा सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट, ये सेगमेंट पहली दफा देखा। गुड 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 कंटेंट है ना। चले जी ये हम लोग हटा देंगे। कैसा लगा? बस मुझे मुझे वो असल में मुझे नचा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का। कढ़ाई तो एक बहाना है, वरना तो बरकत से अच्छा कोई कुक नहीं। हाँ बरकत आ गई। अच्छा बरकत मुझे बताएं कि आप शादी क्यों नहीं करते? शादी एक जिम्मेदारी है तो आई थिंक मैं नो 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 बिकॉज़ यू पाकिस्तानी सलमान खान है। ये जहनी तौर पे जिस्मानी तौर पे सलमान खान नहीं है। इट्स अ वेरी बिग कंपनी। 1990 में लड़कियां सोचती थी पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आज 2018 में सास सोचती है पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। सॉरी मैं बरकत शादी करना चाहता है, लड़कियां नहीं करना चाहती है। इसी पता चल गया। अब बरकत इसी बेइज्जती के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी। मैं अपने भाई की बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। इन दोनों की मुलाकात जो हुई थी वो एयरपोर्ट पे हुई थी, ठीक है? और वो मुलाकात बहुत खूबसूरत मुलाकात थी, और उसके बाद ऐसी मुलाकात हुई कि आज ही हमारे साथ बैठे तीन बच्चों के साथ माशाल्लाह। तो वो मुलाकात आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया है जो मैंने बहुत सारे शोज में सुना लेकिन कभी मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन आज मैं इनसे खुद सुनना चाहती हूँ। लेकिन एक छोटे से वक्त एक बात कहीं मैं जाएंगे हमारे साथ। और आप सब देख रहे हैं हम लोग वापस आ चुके हैं, और मैं चाहूंगी कि जिब्रान आप यहाँ पर आए, और आपने जिस तरह अपने एक्सप्रेशन से और आपके प्रोमो और टीजर्स चलते हैं ना और आपके ड्रामे बिक जाते हैं, इस तरह आपके सामने मैं एक चीज रखूंगी और आपके आंखों पे बांधूंगी पट्टी, ठीक है? जैसे हम सबकी आंखों पे वैसे ही पट्टी बंधी हुई है, कोई भी आके कोई भी चीज बेच के चला जाता है और आप पागलों की तरह पट्टी आंखों पे बांध के वोट भी दे देते हैं और चीजें भी खरीद लेते हैं, ठीक है? तो आपने एक चीज है जो बेचना, आपको पता भी नहीं कि वो क्या है, बट आपने बेचना है, ऐसा बेचना है ना कि लोग खरीदने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? अंदाजे में बेचना तुक्के पे, ओके? और कोई बताएगा नहीं,
रेडी? आपको नजर नहीं आ रहा? आ रहा है तो मैं आपको दूसरा भी दे दूं. नहीं, प्रॉमिस, बेमानी नहीं करनी. ओके जी, आपने बेचना है. आपके सामने एक ऐसी चीज है. सर अब ये तो मैं घर ले जाऊंगी वापसी पैर. हाँ, डन. आज ओके, रेडी? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगा सकते. आपके सामने एक चीज है बस. ये इस चीज की मैं क्या फायदे बताऊं आप लोगों को. मेरे ख्याल में ये हर घर की जरूरत है. अच्छा, हर घर की? हाँ. अच्छा, इसे घर में ना, खास तौर पे इसे हर घर के हर बेडरूम में होना चाहिए. और ये बड़ों से लेके बच्चों सब के लिए फायदेमंद है. और फायदा ये है कि ये घर के मर्दों को सीधे रास्ते पर रखता है और औरतों को ज़हनी सुकून देता है और बच्चे इसे खेल सकते हैं खिलौने के तौर पे. तो बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरतें सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. और आजकल बाय वन गेट वन फ्री भी चल रहा है. और ये आप ले और अपने बेडरूम में रखें. जबरदस्त. और आप अब देखेंगे आपको क्या बचा है. यार वैसे करीब तरीन है. बच्चे, बड़े, बूढ़े, आप बच्चों के लिए लेके जाएगा. अफीफा आप आ जाए. अच्छा, अच्छा. पढ़वाएंगे ये आज. अच्छा चले जी, आप आ जाए जल्दी से. और आपके पास है अब दो मिनट. अब आपने बेचना है, आप इनको बांध लें. अब देखते क्या चीज आती है. नजर नहीं आना चाहिए. ठीक है, ये मेरा हो गया. हाँ, ये आपका हो गया. आप जीत गया. या डन. नजर नहीं आ रहा. प्रॉमिस? प्रॉमिस. ओके चले जी, एक और प्रॉप जो आपको बेचना है. अभी हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा आगे आ जाए. डन. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. चले जी, बेचे बेचे. अगर ये जो चीज है जुबान की फेवरेट है. जिब्रान की फेवरेट है. अच्छा, ये जिब्रान आपकी फेवरेट है? आपने बताया नहीं, साथ लेके घूमते हैं. अब कौन बताता है ये? यार ये आगे. और alright, basically बहुत beneficial है. It's a must basically life में. हाँ, जरूरी. अगर ये नहीं होगी तो life incomplete है. वाह वाह भाई, ये सही भेज रही है. अभी तक सही भेज रही है. अच्छा, और हम इधर उधर बहुत investment करते हैं, you know, बहुत खर्चे करते हैं. kindly इसके ऊपर थोड़ा emphasize करें, थोड़ी सी investment करें. ये लॉन्ग टर्म में बहुत यूजफुल है. अच्छा, वैसे कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली. और आप ऐसे एडवाइस, ये सब एक बार ट्राई करें और फिर प्रमोट करें. और फिर प्रमोट करें इसको. इसको प्रमोट करें. प्रमोट करें. इसको प्रमोट करें. यू नो, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है. नहीं नहीं है, किसी की है. है किसी की? पाकिस्तान में बहुत दस्तियाब है हर जगह. आपके घर में ये जिब्रान की फेवरेट चीज है? आपने ही कहा था ना. अभी आपने रिपीट पर पूछे तो मुझे सोचना. अच्छा अफीफा, ये बताएं कितने टाइम फेवरेट है ये घर में जिब्रान में? मतलब ये अगर नहीं होगी, अगर ये नहीं होगी तो सर्वेंट्स के बहुत डांट पड़ेगी स्टॉक के ऊपर. अब आपने देख रहा है कि आपने क्या बेचा है. आप देखे आपने क्या बेचा है. देखो, ये भी ले जाइएगा साथ. ओके जी, ये ले बेचा सही. बहुत करीब थी. भाई किसने अच्छा बेचा, तालियां बजा के बताएं. अफीफा. अच्छा, अब ऑडियंस तालियों से मैं वो करूंगी कि अफीफा ने अच्छा बेचा या जिब्रान ने. ओके जी, थैंक यू सो मच. अब बिल्कुल हमारे पास एक मिनट है. एक मिनट पे पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे, क्या बात करेंगे? पाकिस्तानियों को मैं ये मैसेज दूंगा, तब्दीली जो आ चुकी है भाई, तब्दीली इंशाल्लाह नजर आएगी. थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, थोड़ा सा आजमाइशें भी आएंगी. मगर जब इंसान दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में जब करप्शन फ्री हो जाती है चीज़ें, तो बेहतर होने लगती हैं.
और एक 5 सेकंड मैं अपने लिए ले रहा हूँ कि बराए मेहरबानी मुझे सोशल मीडिया पे अप्रोच ना करें, मेरे नाम से सब फेक है। ओके जी, और मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है जिसका 5 सेकंड में आपने जवाब देना है कि इस पूरे साल में कौन सा महीना जो सही है शादी करने के हिसाब से, क्योंकि हमने शुरू में शादी पे बात की थी तो मैंने उसका जवाब शादी करने के लिए मेरे हिसाब से नवंबर और दिसंबर दो शुभ महीने, वैसे तो अल्लाह के सब हर वक्त करम होता है, दोनों में एक ही शादी कर ले अगर बरकत चाहे तो। थैंक यू सो मच, एंड मुझे तो अफीफा से प्यार हो गया ऑनेस्टली, कसम से, और बहुत स्वीट है, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके आने का, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे और इस तरह ही कामयाब रखे और इस तरह हंसता रखे। थैंक यू सो मच टू समा एंड यू, आपने हमें इनसे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और आपको अलग से भी अपने नंबर दे दूंगी, मिलेगा। ओके जी, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू ऑल। कहना है कह दो दिल की हर